साहब, दीपक जी, आप जैसे आपके दोस्त नहीं है। जब मैं उनसे 10 बार बोलती हूँ तब क्या करो, 1 बार बोलते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि आप दोनों की दोस्ती बनी कैसे। इस बात का हमें भी अफसोस है किरण जी, जब भी वो मिलता है मायूस ही रहता है। उसके जीवन में दो ही चीज का महत्व है, पहला फर्ज और दूसरी इज्जत। दीपक जी वो इंसान नहीं देता है, मैं उनकी कद्र करती हूँ। जब से मैं उनको देखी हूँ पता नहीं उस दिन से मुझे क्या हो गया है, जब वो नजर नहीं आते हैं तो मेरा दिल उदास रहता है। दीपक जी आप महान है किरण जी, काश आपके प्यार की गहराई को सूरज पहचान लेता। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि अब मैं चलती हूँ दीपक बाबू, आपके दोस्त आ गए। माफ करना यार, आ जाने में देरी हो गई। अरे तू मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो दीपक, लगता है आज तुम उसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो। चलो देरी से आने के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ यार। मैं देख रहा हूँ अपने सुधा से यार को, जो आप रहते हुए भी किसी को नहीं पहचानता। अरे ये तुम क्या कह रहे हो दीपक, मैं और तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है दीपक। मैं कसम से कहता हूँ कि अंधार आते हुए भी मैं तुम्हें 100 के भीड़ में भी पहचान लूंगा दीपक। सिर्फ मुझे पहचानने से क्या होगा दोस्त, अपने आप को तो पहचानो। पहलिया मत बुझाओ दीपक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम साफ साफ कहो। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। सूरज किरण तुम्हें बहुत प्यार करती है। दीपक तुम तो जानते हो हर लड़की यही बोलती है और यही डायलॉग बोल के चली जाती है, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है यार। दोस्त किसी की मनोभावना समझने की कोशिश करो। किरण तुम्हारे जिंदगी में आकर बाहर ला देगी बाहर।